हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांट सेक्शन के अंदर, तो जो क्वांट सेक्शन होता है आपका, उसमें टॉपिक बहुत ही फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स आप ले लीजिए उसमें ये टॉपिक तो होता ही होता है। तो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम जो कि फेब और मार्च में होएगा, फेज वन एंड फेज टू, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, तो ये टॉपिक ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये फेज वन और फेज टू दोनों फेजेस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने आरबीआई असिस्टेंट के लिए तैयारी जोर शोर से तैयार करी दी होगी, क्योंकि आपको पता ही है इस बार 926 वैकेंसीज आई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है, और मेजॉरिटी ऑफ द वैकेंसीज जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है। तो आई होप आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और आप हमारा 5 वीक प्लान फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे 5 वीक प्लान की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके पहले वो वीडियो देखें, जिसमें कि आप उस 5 वीक प्लान को फॉलो करके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको वो काफी हेल्पफुल रहेगी 5 वीक वीडियो, राइट? तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का आपको प्रायर इंटीमेशन या पहले से ही आपको उसके बारे में पता चल जाए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के कुछ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। पहले वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं, वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है? तो देखिए, इस टॉपिक में तीन चीजें हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। ये तो आपको पता ही है तीन चीजें हैं, और फॉर्मूला भी हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये चीज तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगी। अब हम बात करें रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? देखिए, दो चीजों की बात होगी, हम जब भी वर्ड रिलेटिव आएगा ना, दो चीजों की बात होगी। तो अगर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए दो बस हैं, ए और बी, अगर ये दोनों बस एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों बस अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। अब मान लीजिए बी की स्पीड ज्यादा है, ए की कम है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बी माइनस ए, और अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ए माइनस बी, यानी कि स्पीड माइनस हो जाती है अगर डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन। बट अगर रिवर्स डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? उस केस में रिलेटिव स्पीड हम प्लस कर देते हैं। ये आई थिंक आपको पता भी होगा, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट ये आपको नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दो चीजें तो उनकी स्पीड्स प्लस हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, राइट? तो रिलेटिव स्पीड आपकी सेम डायरेक्शन के लिए भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए भी हो सकती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा रिलेटिव स्पीड का। अब हम बात करते हैं ये हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो देखिए, आपको सिंपल एरिथमेटिक मीन जो है, तो सिंपल मीन होता है हमारा, सिंपल जो हम नॉर्मल निकालते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। वो क्या होता है आपका सिंपल? जैसे अब मैं बात करूं कि अगर मुझे एवरेज निकालनी है, मेरे को दो स्पीड दे रखी है S1 और S2, तो उसको मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाती है। ये तो आपको सिंपल एरिथमेटिक मीन हो गया। या मान लीजिए दो डिस्टेंस है D1 D2, मुझे एवरेज डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिवाइड कर देता हूं। ये तो सिंपल एरिथमेटिक मीन है। बट हार्मोनिक मीन, इसका यूज कैसे आता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। तो इसका फॉर्मूला तो होता है 2AB अपॉन A प्लस B। यहाँ पे ए और बी कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ए और बी होगा ये होंगी स्पीड। ये क्या होंगी? ये होंगी स्पीड, क्योंकि अब यहाँ पे हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इससे भी पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका क्या मतलब है? स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगा, राइट? बट स्पीड और टाइम इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, मतलब अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा,
और अगर किसी चीज की स्पीड कम है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। और जो स्पीड, अगर मैंने स्पीड और डिस्टेंस की बात करी तो अगर कोई किसी की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये सिंपल सिंपल रिलेशंस हैं आपके, जो आपको आई थिंक समझ में आ रहे होंगे, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन का मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में आपको कैसे इसका यूज आएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेट सपोज देर आर टू बस, बस ए और बस बी। अब बस ए की स्पीड मान लीजिए कहते हैं 60 किलोमीटर पर आ रहा है, और बस बी जो है उसकी स्पीड है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आ, और आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो अब जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देंगे, एवरेज स्पीड क्या 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 250, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि अब यहां देखिए, यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा कि ये दो बसेस हैं, इनकी ये स्पीड है, और आपको ऐसा बोल देगा कि ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और आपको ये एग्जाम्पल मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूं कि मान लीजिए आपको गिवन है, मान लीजिए आपको गिवन है कि एक बस है, एक ही बस है, वो जाते टाइम 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है और वापस आते टाइम 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आती है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जितना डिस्टेंस गई थी उतना ही डिस्टेंस आई है, ये ध्यान रखना यहां पे, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इस केस में एवरेज स्पीड 60 प्लस 40 डिवाइड बाय 250 ये नहीं होगी। इस केस में एवरेज स्पीड जो निकलेगी वो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में जो हमारी एवरेज स्पीड निकलेगी उसके लिए हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 48 किलोमीटर पर आर। तो यहां एवरेज स्पीड 50 नहीं है, एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आर। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी कोई चीज दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है सेम डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए अगर दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो एवरेज स्पीड निकलेगी हमारी हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले को यूज करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, अभी एक या दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आएंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा मैं तब डिस्कस करूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट जो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 25 सेकंड्स। एक ट्रेन है, अब मान लीजिए कि ये टेलीग्राफ पोस्ट है, एक खंबा है या एक पिलर मान लीजिए, एक पिलर है, ठीक है। इस पिलर को, एक ये ट्रेन है, इस ट्रेन ने इस पिलर को 25 सेकंड में क्रॉस कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर किस एक ट्रेन ने एक पिलर को क्रॉस करा है, इसका मतलब कि ये 25 सेकंड जो लगे हैं इसमें डिस्टेंस क्या रहा होगा, भाई डिस्टेंस इसमें रहा होगा ट्रेन की लेंथ। तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही तो डिस्टेंस होगा, आप खुद ही सोचिए, क्योंकि पिलर का तो अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता ना, पिलर तो बहुत पतला सा होता है तो उसका डिस्टेंस तो हम काउंट नहीं भी करते, उसको हम छोड़ देते हैं जनरली। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, गिवन है तो हम फिर भी प्लस कर सकते हैं, बट अदरवाइज उसको हम छोड़ सकते हैं, राइट। तो यहां पे ट्रेन की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस है, टाइम हमें गिवन है 25 सेकंड्स। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, या इसको मैं ऐसे बोलूं, स्पीड इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे बोलूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें गिवन है कि डिस्टेंस, हमें, हम इसको डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ठीक है, स्पीड हमें पता नहीं और तो उसको एस मान लेते हैं, टाइम हमें पता है 25 सेकंड, तो 25s, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, राइट। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसमें लिखा है हैड इट इंक्रीज्ड इट स्पीड बाय अ फिफ्थ। कह रहे हैं अगर ट्रेन की स्पीड 1/5 से भर जाए, 1/5 से भर जाएगा मतलब क्या है, अगर इस एस में मैं 1/5 ऑफ एस भी प्लस कर दूं तो ये भर गई स्पीड, ठीक है। इट वुड हैव क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 50 मीटर इन 25 सेकंड्स। तो कह रहे हैं अगर उसकी स्पीड भर जाती तो वो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अब सेकंड केस में, देखिए खुद जो ट्रेन की खुद की लेंथ है वो तो डिस्टेंस है ही, उसके अलावा 50 मीटर का एक प्लेटफॉर्म भी है तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम फिर से 25 सेकंड ही लग रहा है। तो आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है यहां पे, अब दो इक्वेशन आ गई है तो क्वेश्चन सॉल्व करना वैसे ही बहुत सिंपल हो गया है,
क्योंकि दो इक्वेशन होती है, तो हम क्योंकि देर आर टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है, सिंपल आपका ये सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेन होता है इक्वेशन बनाना। अगर आप इक्वेशन बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई खास शॉर्टकट या ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे ही छोटा ही है, ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ भी नहीं थी। तो जिन क्वेश्चन में ट्रिक्स लगेंगी, जैसे आने वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट्स या ट्रिक्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना इसमें कोई ट्रिक लग रही है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, बिना ट्रिक के बहुत इजीली हो रहा है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है ना, अब आपको ये फर्स्ट, आप सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है, अब आपकी सेकंड इक्वेशन देखिए, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो एस प्लस वन बाय फाइव ऐसे कितना हो जाएगा, सिक्स बाय फाइव एस इज इक्वल टू डी प्लस 50 अपॉन 25, ये हमारी इक्वेशन है। अब इस एस की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं तो अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है, ठीक है। तो मैं एस की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वैल्यू, तो यहां पे हमारा हो गया 6 बाय 5, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं डी बाय 25, एस तो सेकेंड एस को हटा दो भी, इज इक्वल टू डी प्लस 50 अपॉन में 25। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आप देखेंगे 25 से तो 25 ऐसे कटी जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 6d इज इक्वल टू 5 को मैं इधर ले जाता हूं, 5d प्लस 250, जिससे कि हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा आ गया 250 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 250 मीटर, और डिस्टेंस हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस था हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी थी, वो हमारी निकल गई। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 250 मीटर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस यहां पे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाउ मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज रेगुलर स्पीड, अभिषेक इज 16 मिनट्स लेट फॉर हिज ऑफिस। अब देखिए ये कह रहे हैं कि सपोज अगर एक अभिषेक है, उसकी रेगुलर स्पीड से वो 3/4 स्पीड पे गया, मतलब अपनी रेगुलर स्पीड से कम स्पीड पे गया, तो उसको टाइम, अब देखिए स्पीड वो उसकी रेगुलर स्पीड से कम थी, पर टाइम जो है, टाइम उसको 16 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है, तो प्लस 16। भाई स्पीड तो 1/4 से कम हो गई, क्योंकि वो अपनी 3/4 स्पीड पे जा रहा है रेगुलर स्पीड से, पर टाइम बढ़ गया। अब आप ये लॉजिकल भी आप खुद सोचिए, मैंने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने बताया था टाइम और स्पीड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब क्या है, तो अगर स्पीड जो है डबल हो गई, अगर स्पीड डबल हो गई तो टाइम हाफ लगेगा, ठीक है। अगर स्पीड हाफ हो गई तो टाइम डबल लगेगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। तो मान लीजिए ये 2 है तो ये 1/2 है, ये 1/3 है तो ये 3 है, ये मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल हो गए ना, इस तरीके से आप समझ लो। मतलब अगर मैं इसको, अगर हम इस टर्म्स में बोलें कि उसकी स्पीड डबल हो गई है तो उसको टाइम हाफ लग रहा होगा, इस तरीके से। मतलब कि ये प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, इसको कंफ्यूज मत करिए, ये प्रपोर्शन या परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है, उसकी स्पीड 3/4 है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर उसकी स्पीड 3/4 है तो उसका टाइम 4/3 होगा ना, तभी तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4/3 होता है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, तो मैंने आपको भी रेसिप्रोकल वाली जो बात बताई। तो अगर उसकी स्पीड 3/4 हो गई है तो उसका टाइम 4/3 हो गया होगा, यानी कि टाइम उसको ज्यादा लगेगा, राइट। तो अब हम कह रहे हैं कि उसको 16 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि वो 16 मिनट लेट है ना ऑफिस में। भाई रेगुलर जो जिस टाइम पे पहुंचता था वो, आज वो 16 मिनट लेट है, राइट। आगे क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस। तो ये वही पूछ रहे हैं कि भाई रेगुलर टाइम बताओ कि नॉर्मल दिनों में उसको कितना टाइम लगता है अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचने में। तो आप देखिए यहां पे मैंने बोला 4/3, यानी कि उसको 4/3 टाइम लग रहा है, यानी कि अब ध्यान से देखें 1/3 टाइम उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि 3/3 में 1/3 प्लस करते हैं तब बनता है ना 4/3। तो 1/3 1/3 टाइम उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब नॉर्मल से 1/3 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर मैं नॉर्मल टाइम को मान लू एक्स,
जो कि हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो इसका वन थर्ड जो है, एक्स का जो वन थर्ड है वो कितना है, क्वेश्चन में गिवन है ना 16 मिनट, तो वन थर्ड ऑफ एक्स इज 16 मिनट्स, तो एक्स क्या होगा, सिंपल हो गया अब तो 48 मिनट्स। तो नॉर्मली उसको 48 मिनट्स लगते हैं अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचने में, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पे, ऑप्शन ए 48 मिनट्स। देखिए यहां पे मैं काफी कुछ लिखता हूं, बट एग्जाम में आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम लिखें, ज्यादा से ज्यादा आप दिमाग में चीजों को रिटेन करने की आदत डालें कि आप मेंटली कर पाए, बट अगर मेंटली नहीं भी कर पाते तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, एग्जाम में आप फिगर्स लिख सकते हैं, उससे आपका टाइम सेव होगा, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 48 मिनट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम, क्वेश्चन थ्री पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थ्री हमारा बोल रहा है टू ट्रेन्स कोलकाता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द स्टेशन कोलकाता एंड बॉम्बे रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखिए यहां पे दो ट्रेन है, एक है कोलकाता मेल और दूसरी ट्रेन है बॉम्बे मेल, और ये कह रहे हैं दोनों ट्रेन जो है भाई कोलकाता मेल कोलकाता से स्टार्ट हुई और बॉम्बे वाली बॉम्बे से स्टार्ट हुई, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, लिखा ना मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो अगर मैं यहां पे आपको बनाऊं इसको थोड़ा सा, तो मान लीजिए ये दो ट्रेन हो गई, ये आपकी कोलकाता सिटी हो गई मान के चलो उसको, ये आपकी बॉम्बे सिटी हो गई, राइट। और इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं, ऊपर से आ रही है कोलकाता मेल, इसको आप ऐसे समझ लो दो ट्रैक्स हैं, ये कोलकाता मेल आ रही है और नीचे से नीचे वाले ट्रैक पे आ रही है मान लो बॉम्बे मेल, तो ये हमारी दो ट्रेन हो गई ना, कोलकाता मेल और बॉम्बे मेल। कोलकाता मेल आपकी कोलकाता से चल रही है और बॉम्बे मेल आपकी बॉम्बे से चल रही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखो After passing each other, they take 12 hours and 3 hours to reach Mumbai and Kolkata respectively. अब कह रहे हैं मिलने के बाद, अब मान लीजिए, अब इसको ऐसे मान लीजिए आप कि इस केस में जैसे हमें गिवन है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए वो यहां पे कहीं मिलते हैं, लेट इट बी देयर मीटिंग पॉइंट, ऐसे कुछ भी अज्यूम कर लो। तो अब मान लो कि वो कोलकाता, आप देखिए क्या कह रहे हैं कि यहां पे वो मिल रहे हैं, इसका मतलब यहां तक आने में, अब देखो बॉम्बे वाली नीचे से चलेगी, मैंने आपको बोला ना नीचे वाला ट्रैक है, और कोलकाता वाली ऊपर से चलेगी, ठीक है, यहां पे वो दोनों मिल गए। अब मान लीजिए टी टाइम के बाद या फिर टी आर्स के बाद दोनों एक दूसरे को मिल गए, ठीक है, टी आर्स लिख लो आप यहां, मतलब इतने घंटे हो गए, एक्स मान लो टी मान लो कुछ भी मान लो, तो इतने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मिलने के बाद उनको कितना कितना टाइम लग रहा है, देखिए कोलकाता मेल जो है वो 12 घंटे और लगाएगी मुंबई पहुंचने में, तो उसको 12 आवर्स लग जाएंगे मुंबई पहुंचने में, और जो बॉम्बे मेल है उसको 3 आवर्स लग जाएंगे कोलकाता पहुंचने में, ठीक है जी। ये हमने बना लिया अपना डायग्राम, बेसिक डायग्राम, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कोलकाता मेल इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो कोलकाता मेल है ना आपको इसकी स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी कोलकाता मेल चल रही है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बॉम्बे मेल की स्पीड से चल रही है, हमें निकालनी है बॉम्बे मेल की स्पीड हमें निकालनी है, तो इसकी जो स्पीड है वो हमें निकालनी है। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हुए हम देखेंगे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको अगर इसको करके दिखाऊं, तो अब आप देखिए कि हमें इस क्वेश्चन को पूरा जो हमारा फुल फ्लैश की स्पीड S1 डिस्टेंस D1 टाइम T1 वैसे भी कर सकते हो, पर वैसे टाइम लगेगा, तो मैंने आपको बताया था हमें कम से कम टाइम में करना है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा ध्यान से एनालाइज करोगे इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं एक शॉर्टकट या फिर एक ट्रिक के थ्रू। अब वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, अब आप देखिए कि जो कोलकाता मेल की स्पीड है और जो बॉम्बे मेल की स्पीड है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो हम अज्यूम करेंगे कि पूरी जर्नी में उन दोनों की रिस्पेक्टिव जो स्पीड है वो कांस्टेंट रही होगी, ये तो हम अज्यूम करके चलेंगे ना। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अब आप इसको ऐसे देखो कि ये जो, अब जैसे यहां पे दोनों मिले थे, ये इनका मीटिंग पॉइंट था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये टी आर्स जो इसको लगे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं थ्री से, तो आर्थ को एक बार को आप रब कर दो, तो ये टी बाय थ्री जो होगा, ध्यान से देखिए, जो टी बाय थ्री होगा इट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन टी,
इट विल बी इक्वल टू 12/20। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब मैं ये कह रहा हूं कि इनकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर इन दोनों की स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा ना। आप खुद सोचिए, इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और अगर स्पीड का रेशियो कांस्टेंट है तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा। अब ध्यान से समझिए, टाइम का रेशियो भी तो कांस्टेंट होगा। तो अगर ये कोलकाता को इतना टाइम लगता है और बॉम्बे को इतना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर मतलब सेम डिस्टेंस में, तो अगर एक और कोई अलग कांस्टेंट या सेम डिस्टेंस है, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस था, ये वाई डिस्टेंस है, तो उसमें भी जो इनको टाइम लग रहा है वो रेशियो तो वही रहेगा ना जो एक्स डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा था। भाई जितना जो रेशियो इनकी इनका टाइम का जो रेशियो था वो चाहे एक्स डिस्टेंस के लिए हो चाहे वाई डिस्टेंस के लिए हो, रेशियो सेम रहेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं, इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो इसको देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, टाइम हमारे पास आ गया 6। हमारे पास टाइम कितना आ गया, टाइम हमारे पास आ गया 6 आवर्स, यानी कि ये 6 घंटे दोनों चली थी जब ये एक दूसरे से मिल गई थी। तो ये जो टी था ये 6 था ना, ये 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि बॉम्बे मेल की स्पीड निकालनी है। कोलकाता मेल की तो 48 किलोमीटर पर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, हमारा टी आ गया 6, ठीक है। तो देखो, बॉम्बे मेल को एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे लग रहे थे, जिसको ट्रेवल करने में कोलकाता को 6 लग गए, यानी कोलकाता वाली जो ट्रेन है उसको डबल टाइम लग रहा है। अब अगर डबल टाइम लग रहा है कोलकाता वाले को, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था इनवर्स रिलेशन होता है आपका स्पीड और टाइम में। तो अगर टाइम डबल लग रहा है कोलकाता वाले को, अगर कोलकाता वाले को टाइम डबल लग रहा है तो कोलकाता वाले की स्पीड हाफ होगी ना। आप खुद सोचिए, अगर कोलकाता वाली ट्रेन को डबल टाइम लग रहा है तो कोलकाता वाले की स्पीड हाफ होगी। तो जो कोलकाता वाले की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हाफ होगी बॉम्बे की। तो बॉम्बे की कितनी होगी, इसका मतलब 96 किलोमीटर पर आवर होगी ना। भाई बॉम्बे की 96 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यानी कि स्पीड तो डबल है बॉम्बे वाले की, पर उसको टाइम आधा लग रहा है ना, उसको सिर्फ 3 घंटे लग रहे हैं, 6 नहीं लग रहे, सिर्फ 3 घंटे लग रहे हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 96 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपने देखा आपका ये रिलेशन जो है डिस्टेंस स्पीड टाइम के बीच में जो रिलेशन है ये यहाँ पे आपको काम आ रहा है। आपको पता है कि स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो ये आपको यहाँ पे काफी काम आ रहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 96 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और इस ग्रुप पे हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं रिगार्डिंग वेरियस एग्जाम, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट और आपका नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, यूजीसी नेट, ये सारे एग्जाम्स हम लोग पढ़ाते हैं और इन सबकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन हम शेयर करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो एग्जाम के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल ग्रुप है ये, आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस लिंक को पे क्लिक करके आप इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, तो देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए हैं, इनमें कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछें, वैसे तो सिंपल ही थे। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है श्रेया बीट्स कनिका बाय 30 मीटर और 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है श्रेया, एक है कनिका, ये दोनों एक रेस में भाग रही है। तो कह रहे हैं श्रेया जो है वो जीत गई, श्रेया जीत गई, ठीक है, और कनिका हार गई ऑब्वियसली। तो जो श्रेया है, जो श्रेया है उसने 10 सेकंड कम लिए, इसने 10 सेकंड कम लिए और 30 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब क्या है, जो कनिका है इसने या तो 10 सेकंड ज्यादा लिए ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसने 30 मीटर कम ट्रेवल किया, यानी कि जब श्रेया फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गई थी
तब कनिका 30 मीटर पीछे थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कनिका ने 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिए रेस को पूरा करने में, या फिर जब श्रेया जीत गई थी तब कनिका 30 मीटर पीछे थी फिनिशिंग लाइन से, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय श्रेया टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 1200 मीटर। तो हमें बता दिया जो रेस है इनके बीच में जो रेस हुई है उसकी लेंथ क्या है, आप बताइए। रेस की लेंथ है 1200 मीटर। भाई रेस की कुछ लेंथ तो होती है ना, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर अलग अलग होती है, रिले रेस होती है। तो इनकी जो रेस थी वो 1200 मीटर की थी। तो कह रही है कि जो श्रेया है जो जीत गई रेस में उसने 10 सेकंड कम लिए हैं, ठीक है ना, इसका मतलब कनिका ने 10 सेकंड ज्यादा लिए हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब इसको अगेन इस क्वेश्चन को हमें ट्रिक से या शॉर्टकट से ही सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप अगेन इसको बड़े वाले मेथड से स्पीड डिस्टेंस टाइम उसके थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे फॉर्मूला लगा के तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे भी फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, बट यहां पे थोड़ा सा हमें अपना लॉजिकल माइंड भी यूज करना है। लॉजिकल माइंड से मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप ध्यान से सोचिए, ध्यान से बहुत आपको कंसंट्रेट करना है कि अगर कनिका 10 सेकंड ज्यादा ले रही है या फिर 30 मीटर कम ट्रेवल कर रही है। तो अब देखिए ये चीज भी काफी लॉजिकली है, क्योंकि मैंने आपको जो रिलेशन बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने क्या बताया था स्पीड और डिस्टेंस इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। और इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो वो तो वैसे सेम चीज ही हो गई इस केस में, बट मैं यहां पे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि इस रिलेशन को तो आपको ध्यान रखना ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट अब यहां पे अगर कोई टाइम ज्यादा ले रहा है और इसका मतलब ये भी होगा ना कि वो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 30 मीटर बचा हुआ 30 मीटर जो था जो कनिका ने श्रेया के पहुंचने के बाद कवर किया होगा उसमें उसको 10 सेकंड लग गए। भाई बचे हुए 30 मीटर को कवर करने में उसको 10 सेकंड लग गए होंगे ना, इसको आप ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, ये डिस्टेंस ये टाइम स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो वो एक सेकंड में 3 मीटर कवर कर रही है, कौन कवर कर रही है, किसकी स्पीड है, ये कनिका की स्पीड है, ध्यान रखना इस चीज को, कनिका की स्पीड है, कनिका 3 मीटर या फिर एक सेकंड में 3 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। अब रेस है 1200 मीटर की, तो 1200 मीटर की रेस में कनिका ने कितना टाइम लिया होगा, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1200 मीटर और स्पीड है उसकी 3 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लिया, टाइम लिया 400 सेकंड। कनिका ने कितना टाइम लिया, ध्यान से देखिए, कनिका ने लिया 400 सेकंड। 400 सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 400 डिवाइड बाय 60 करके देखो तो 6 मिनट तो आपके ये पूरे हो गए, मतलब 360 सेकंड में आपके 6 मिनट हो गए। तो 6 मिनट 40 सेकंड लिए ना, 6 मिनट और 40 सेकंड लिए, किसने लिए, कनिका ने लिए। अब श्रेया तो 10 सेकंड कम लेती है, श्रेया तो 10 सेकंड कम लेती है, तो श्रेया ने कितने लिए होंगे, श्रेया ने लिए होंगे 6 मिनट और 30 सेकंड, क्योंकि श्रेया तो तेज है ना, फास्ट है, तो 6 मिनट 30 सेकंड लिए होंगे, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 6 मिनट 30 सेकंड, राइट। तो यहां पे आपको यही क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं इसमें इतना टिपिकल, बट सिंपली आपको बस ये ध्यान रखना था कि उनकी जो स्पीड है, मतलब बेसिकली आपको श्रेया की स्पीड निकालनी थी, श्रेया की स्पीड अगर आपने निकाल ली तो, मतलब कनिका की, पहले आपको कनिका की स्पीड निकालनी थी, कनिका की स्पीड अगर आपने निकाल ली तो उसके बाद श्रेया की स्पीड निकालनी तो बहुत सिंपल थी, क्योंकि आपको सिंपली 10 सेकंड उसमें से माइनस करने थे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6 मिनट 30 सेकंड। तो चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 जो है हमारा, अब उसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अब देखिए एक नदी जो होती है, एक रिवर जो होती है, या मान लीजिए एक स्ट्रीम है, एक नहर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, या उसका एक वो होता है फ्लो, क्या होता है, एक फ्लो होता है। तो फ्लो या तो उसका ऐसा होगा डाउन स्ट्रीम, मतलब वो नीचे जा रही होगी, या वो अपस्ट्रीम, मतलब उसका एक फ्लो होगा ना, जैसे और जनरली फ्लो क्या होता है, नदी ऊपर से नीचे जाती है जनरली, आपको तो ऑब्वियसली पता ही है नदी कैसी होती है, पहाड़ों से आती है ना, तो ऊपर से वो नीचे की तरफ बहती है। तो अगर आप नदी के, जैसे आप बोलते हैं ना, नदी के बहाव के साथ कोई बह गया,
तो उसका मतलब है वो नदी जिस स्पीड मतलब जिस डायरेक्शन में बह रही है आप भी उस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहां पे भी आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम में आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बिगिनिंग में नहीं बताया था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, वही यहां पे काम आएगा। तो आपको पता है रिवर जो है जनरली उसका फ्लो जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है भाई। देखो एक तो होता है स्टिल वाटर, अब यहां पे भी आप समझ लो, स्टिल वाटर मान लीजिए ओशियन है, सी है, उसमें पानी एकदम स्टिल है, मान लो पॉन्ड है, तो उसमें कोई फ्लो नहीं है, कोई रिवर तो है नहीं, वो उसका कोई ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे बह रही है ऊपर, मतलब उसका कोई फ्लो है, फ्लो नहीं है, स्टिल है। तो वहां पे तो आपकी जो स्पीड है वो वही रहेगी, चाहे आप इधर जाओ इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ। बट जब हम रिवर या स्ट्रीम की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक चीज समझनी है, वहां पे रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। क्या मतलब है मेरा कि अब रिवर है, अब रिवर मान लो बह रही है आपकी, मान लीजिए कुछ एक्स स्पीड से रिवर बह रही है, और आप अब रिवर जा रही है नीचे नीचे की तरफ, और आप भी नीचे की तरफ अपनी बोट में बैठे हो और नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आप मान लो वाई की स्पीड से जा रहे हो, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना आपकी वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई, स्पीड प्लस हो जाएगी, क्योंकि जो पानी है रिवर का पानी है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस। बट अगर आप नदी के बहाव से उल्टा जाते हो, अब नदी बह रही है नीचे और आप अपनी बोट को लेके जा रहे हो ऊपर, आप चप्पू से खींच के अपनी बोट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे स्पीड माइनस हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, नदी एक डायरेक्शन में जा रही है आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहां पे एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब जो भी बड़ा है वो पहले लिखेंगे और जो छोटा है वो बाद में लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज जो है ये नदी के भाव के साथ जाना या नदी के भाव से उल्टा जाना, अगर आप लोगों ने किसी ने रिवर राफ्टिंग कभी करी हो तो आप इस चीज को समझ पाओगे। रिवर राफ्टिंग में क्या होता है, कभी कभार हम रिवर के फ्लो के साथ जाते हैं और कभी कभार रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाना होता है, तो वो चीज राफ्टिंग के टाइम समझाते हैं वैसे, तो वो भी अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा हो तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ही है वैसे तो कॉन्सेप्ट वही है, बट यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो कई बार जो है स्टूडेंट्स क्या होते हैं घबरा जाते हैं कि भैया क्या चीज आ गई, जबकि है वो वही कॉन्सेप्ट, बस आपको अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज करनी होती है। मोस्टली क्वेश्चन में तो कॉमन सेंस ही क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो अ मैन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, कह रहे हैं अगर पानी स्टिल है यानी कि पानी स्थिर है जैसे पॉन्ड हो या ओशियन हो तो जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और रिवर की स्पीड जो है, जो रिवर है उसकी स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको दे दिया। अब कह रहे हैं इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स हिम 45 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, कह रहे हैं एक आदमी है वो आने में और जाने में टोटल उसको 45 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, लिखा है ना टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, मतलब जाने और आने का कंबाइंड टाइम जो है ना वो 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर इसको आपको आवर्स में लिखना हो तो 45 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया 3/4 आवर्स हो गया ना, तो ये आपको आर्स में भी लिख सकते हो आप इसको, तो उसको इतना टाइम लग रहा है 45 मिनट्स लग रहे हैं जाने और आने में, उसकी जो स्पीड है मतलब बोट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है और रिवर की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब मैंने आपको बताया था रिवर ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, तो जो आदमी है वो पहले तो नीचे जाएगा तो तब उसकी स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब कि 6 + 3 हो जाएगा, और जब वो वापिस आएगा तो रिवर के अगेंस्ट आएगा ना वो, तब 6 - 3 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको भी समझाया था ना भाई, देखो जब वो नीचे जाएगा एक जगह पे उसको जाना है, मान लो एक मंदिर है टेम्पल है उसको वहां पे जाना है अपनी बोट से और फिर वापस आना है, तो जब नीचे जा रहा होगा तब तो उसकी बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड प्लस हो गई, यानी कि 6 + 3 9 हो गया, पर जब वो वापिस आ रहा है तो रिवर से रिवर के भाव से या फिर रिवर के फ्लो से अगेंस्ट आ रहा है, उससे उल्टा आ रहा है ना, तो स्पीड हो जाएगी माइनस और 6 - 3 कितनी हो जाएगी 3, तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड्स आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो डिस्टेंस तो सेम था ना, अब ये मान लो डिस्टेंस है या टाइम है, तो पहले x किलोमीटर मान लीजिए वो नीचे गया और x किलोमीटर जब नीचे गया तो उसको जो उसकी स्पीड है वो मैंने आपको बताया कितनी हो गई, मैं यहां पे स्पीड भी लिख देता हूं, स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापिस आया उतना ही डिस्टेंस सेम तब उसकी स्पीड कितनी हो गई 3 हो गई ना, तो वो 3 हो गई। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो स्पीड
डिवाइड बाय डिस्टेंस यानी कि 9/x और ये हो गया 3/x, तो ये हमारे पास आ गया टाइम। क्या आ गया हमारे पास? टाइम आ गया ना। तो अब इसको अगर आप देखें तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है आप खुद ही सोच सकते हैं, मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिख दिया। फॉर्मूला क्या था यहां पे? फॉर्मूला आपका था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स अपॉन 9 और एक्स अपॉन 3, ये आपके पास दो टाइम आ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। क्वेश्चन सिंपल कैसे हो गया है, अब आप इसको ध्यान से अगर समझें तो हमारे पास T1 T2 दो टाइम आ गए, मतलब नीचे जाने का टाइम और वापस ऊपर आने का टाइम, x बाय 9 और उसमें प्लस कर दो x बाय 3, तो ये टोटल टाइम। और टोटल टाइम हमें गिवन है 45 मिनट्स। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर, हमें आर में गिवन है ना, तो हम मिनट्स में नहीं लिखेंगे, हम 45 मिनट्स को की बजाय हम लिखेंगे 3/4, क्योंकि हमें आर्स में चाहिए ना। ठीक है, अब यहां पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका हो जाएगा 9, तो 3x प्लस, या फिर ये तो x हो गया, x प्लस 3x इज इक्वल टू 3/4। तो ये इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको आगे इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करो, 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू 3/4। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 / 4 × 4। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा ये। तो यहां पे हमने देखा था कि ये हम निकाल रहे हैं x क्या है हमारा, x डिस्टेंस है ना यहां पे, तो 9 × 3 = 27 और 27 / 16, ठीक है, 16 / 27 आ गया यहां पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम एक बार देखते हैं करके, तो हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, एक बार इसकी इक्वेशन फिर से लिखते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमें टोटल टाइम निकालना था ना, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल टाइम, और हमें गिवन क्या था, स्पीड डिस्टेंस टाइम हमें गिवन था, एक स्पीड थी उनकी 9, एक स्पीड थी उनकी 3, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट था, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमने निकाल लिया था टाइम। तो हमने इसको प्लस किया था एक्स बाय 9 प्लस में एक्स बाय 3, तो ये हमारा आ गया था 4x/9, ये हमारा टोटल टाइम था विच इज इक्वल टू 3/4। तो यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, 27/16, ये हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस है। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे या सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप करके देख लो, 16 × 1 = 16 = 11। अब 16 × 6 कितना होता है, 96 होता है, कितना होता है, 96 होता है। इसको मैं फर्दर आपके लिए डिवाइड करके दिखा रहा हूं, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे रिमाइंडर कितना बच गया, 14, इसमें जीरो कैरी करेंगे तो 16 × 8 करते हैं तो हमारा कितना आता है, इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो 16 × 8 आता है 128। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आंसर आएगा सी, 1.6875। वैसे भी आपने दो डेसिमल प्लेस तक कर लिया तो आप खुद देखिए 1.68 से नियर आंसर कौन सा है, बस यही है ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि हमारी x की वैल्यू आ रही है ये, और x हमारा क्या था, x हमारा डिस्टेंस था, जाने का भी वही डिस्टेंस और आने का भी वही डिस्टेंस। तो हमें पूछा है ना वो प्लेस कितनी दूर है, तो प्लेस कितनी दूर है, 1.6875 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डायरेक्शन, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ आरबीआई ग्रेड असिस्टेंट एग्जाम। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वो 5 वीक वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, जिसमें हमने बताया हुआ है कि आप कैसे 5 वीक्स में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है ना। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर हार्ड वर्क के साथ अगर आपने स्मार्ट वर्क भी करा है, आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ा है, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको 5 वीक वाली वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए क्लियर करना आसान होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी में हमने आपको बताया कि आपको कितना कितना टाइम कहां का डिवोट करना चाहिए, बाकी तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी होती है। बट थोड़ा सा अगर आप अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाए तो आप एग्जाम काफी इजीली क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए बनाई है, तो मैं क्वांट और रीजनिंग कवर कर रहा हूं आपके लिए।
तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इन वीडियोस में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर हार्ड और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपका एग्जाम क्लियर करने में हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।